हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोयल सिस्टम। आज की वीडियो में हम वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर डाउनलोड और उसको यूज़ करने बताएंगे। तो सिंपली हमें कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, फिर हमें forum.soilsystem.com वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको देरी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। फिर हमें वेबसाइट ओपन होने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना है और हमें वोल्टेज डिवाइडर टाइप कर लेना है और सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये सर्च होने के बाद ये हमारी पोस्ट शो कर रहा है, इसको ओपन कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि डाउनलोड बटन विजिबल नहीं है। इसका ये रीज़न है कि आपको इस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, या आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन करें। मैं अपना अभी टेस्टिंग अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। आप सिंपली रजिस्टर बटन पर क्लिक करके फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी सारी वेबसाइट की फाइलों का यूज़ कर सकते हैं। फिर लॉगिन करने के बाद हमें ये लॉगिन करने के लिए हमें अपना यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस डालना है। मैं अभी अपना टेस्ट अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद हमें सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। ये लोडिंग होने के बाद रिडायरेक्ट होके उसी पेज पे चला जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड नाउ बटन अब विजिबल हो गया है, इस पर क्लिक करें। यह हमारा डाउनलोड हो गया है। इसको आप कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर लें। यह एक्सट्रैक्ट आप विनरार या 7-Zip को यूज़ करके कर सकते हैं। फिर हमें सिंपली सेटअप exe को ओपन करना है। फिर ये हमें नेक्स्ट करना है। फिर ये हमसे पाथ पूछ रहा है, आप बाय डिफ़ॉल्ट इसी पाथ पे एक्सट्रैक्ट कर लें। फिर हमें फिर एक और बार नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर हमें क्लोज पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि यह हमारा डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आ गया है, इसे ओपन कर लेना है। ये वोल्टेज डिवाइडर काफ़ी रिपेयरिंग में यूज़ होने वाला टूल है। अब हम देखेंगे इसको यूज़ कैसे करना है। ये मेरे पास 3521 का चार्जिंग सेक्शन का डायग्राम है। अब हम देखेंगे इसको यूज़ कैसे करना है। अभी हम एसी डिटेक्ट की वोल्टेज कैलकुलेट करके दिखाएंगे रेश और वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू। थोड़ा पीडीएफ छोटा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि चार्जिंग आईसी की पिन नंबर 6 एसी डिटेक्ट ये इस पाथ से आ रही है। फिर ये दो रेजिस्टेंस के
एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ी हुई है। अब हम देखेंगे इसकी वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करनी है। हमारी जो वोल्टेज इनपुट है ए डी प्लस है। अब हम देखेंगे ए डी प्लस कहाँ कितने वोल्ट है। ए डी प्लस हमारे फर्स्ट मॉस्फेट का की ड्रेन पे आ रही है, यानी कि हमारी 19 वोल्ट या 20 वोल्ट होगी लगभग। ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये फर्स्ट मॉस्फेट की ड्रेन पे आ रही है, यानी कि हमारी रेजिस्टेंस के एक सिरे पे यहाँ पे 20 वोल्ट आ रहे होंगे। जिस रेजिस्टेंस पे हमारी वोल्टेज इन आती है वो R1 होती है, और जो रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है वो हमारी ऑलवेज R2 होती है। ये जो भी रेजिस्टेंस कितने भी वैल्यू की हो जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगी वो R2, और जो वोल्ट इनके साथ कनेक्ट होगी वो R1। अब हमें पता है कि हमारा जो यहाँ पे इनपुट हो रही है ये 20 वोल्ट है। अब हमें सिंपली अपना वोल्टेज डिवाइडर ओपन करना है। ये मैं ड्रैग करके लाऊं, आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कॉलम है, हमें अपना वोल्ट इनपुट डालना है। हमारा ए डी प्लस 20 वोल्ट है और रेजिस्टेंस वैल्यू डालनी है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि 309K की रेजिस्टेंस है। सॉरी 309K। फिर हमें R1 रेजिस्टेंस यूनिट में किलो ओम सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस किलो ओम वैल्यू की है। फिर सेकंड आप देख सकते हैं कि ये 47K है, तो हमें R2 में 47K सेलेक्ट 47 करके रेजिस्टेंस यूनिट में किलो ओम सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें सिंपली वोल्टेज आउटपुट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि ये इसने 2.64 वोल्टेज कैलकुलेट कर दी है। अगर हमारा वोल्टेज डिवाइडर ठीक होगा तो पिन नंबर 6 पे हमारा 2.64 आना चाहिए, और इस वोल्टेज डिवाइडर के काफी सारे यूजेस हैं। जैसे हमें अपनी वोल्टेज डिवाइड करनी है कोई भी, तो हम सिंपली जैसे हमारी वोल्टेज इनपुट, आप इस रीसेट का बटन यूज करके ये सारी वो सारे ये सब इन सब की वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। अब हम जैसे हमें वो कोई वोल्टेज डिवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल हम वोल्टेज इनपुट में 20 वोल्ट ले लेते हैं और सेकंड इसमें 170 की रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और हमें आउट 3.3 चाहिए। तो अब हम ऐसे में R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R2 की वैल्यू 33.592 आ रही है, यानी कि हम 35 ओम्स की रेजिस्टेंस नियर बाय जो भी इसकी रेजिस्टेंस हमें मिल जाए वो यूज कर लेंगे, तो हमारे लगभग 33.3 वोल्ट आउटपुट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप ऐसी और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।